देखो यहाँ पे लूप चलाया, इनपुट किया, देन एंटर द नंबर टू बी सर्च, हो गया, देन इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10, फोर लूप चलाया, देन एंटर द सर्च वैल्यू, जो इनपुट कराया वो एलिमेंट सर्च करना, ठीक है। फर्स्ट 0 है, लास्ट आई माइनस 1 है, तो बताओ क्या मिस्टेक है, यहाँ पे एरर दिखा रहा है। एरे ऑफ साइज, साइज ऑफ द एरे -1। तो ये आय का क्या मतलब हम आए तो लूप वेरिएबल है ना, एरे ऑफ आई वो भी इनपुट किया यूजर से। एरे ऑफ आय इक्वल्स टू 1, नहीं, एक ये मिनट बाइनरी सर्च का प्रोग्राम बनाना है उसे, है ना। मैम, एरे का साइज जो है एंड होगा, एरे का साइज -1। यस अनिकेत, यू आर राइट, करेक्ट। पहली बात तो फोर लूप चलाया है, ये इनपुट का लूप है, दैट इज करेक्ट। फिर इसके बाद साची ध्यान से सुनना, आई एम मेकिंग द रिकॉर्डिंग फॉर यू ओनली बिकॉज साची इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। नाउ आफ्टर दैट एंटर द नंबर टू बी सर्च, एंड दिस मिस्टेक मेनी ऑफ द स्टूडेंट आर डूइंग, एंटर द नंबर टू बी सर्च, ये एंटर नंबर करा दिया सर्च करने के लिए। फिर उसके बाद में ये क्या है, ये किस चीज का लूप चला है, क्या है ये, नो नीड ऑफ दिस लाइन नंबर फॉर लूप, नो नीड ऑफ दिस, नो नीड ऑफ दिस, देन इसके बाद ये इधर उधर से टापा हुआ प्रोग्राम है, इसको बोलते हैं टापा हुआ, गूगल से निकाला हुआ, किसी बुक से कॉपी पेस्ट किया हुआ, दैट आई रियली डोंट वॉन्ट। फर्स्ट इक्वल्स टू 0 मीन्स लोअर बाउंड, लास्ट इक्वल्स टू आई माइनस 1 की जगह पे लेंथ माइनस 1, और लेंथ इफ यू ऑलरेडी नो दैट इज 10, तो यहाँ पे आना चाहिए 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, देन फिर मिडिल कैलकुलेट होगा, फर्स्ट मीन्स लोअर बाउंड, जो मैं यूजुअली प्रोग्राम में एलबी यूज करती हूँ, यहाँ पे वो वेरिएबल लोअर बाउंड है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 सेमी कॉलन, दिस इज द स्टेटमेंट नाउ। और ये भी स्टेटमेंट जो है वो यहां आनी चाहिए व्हाइल लूप के अंदर, बिकॉज एवरी टाइम वी हैव टू मेक द चेंजेस इन द पोजिशन ऑफ द मिड वैल्यू, राइट, यही होना चाहिए भाई, ठीक है, ओके। नाउ अब बताते हैं करेक्ट प्रोग्राम, करेक्ट प्रोग्राम बाइनरी सर्च प्रोग्राम। देखो ध्यान से देखो, बाइनरी सर्च का मतलब क्या होता है, फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, एवरीवन पे अटेंशन हियर। एक एरे बनाते हैं और एज्यूम करते हैं कि उसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में है, सॉर्टेड में मीन्स लाइक 10, 20, 30, 40, 50, लाइक दिस, ठीक है। और अब इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट 0 एलिमेंट जो होता है उसे लोअर बाउंड मानते हैं, और लास्ट एलिमेंट जो होता है मिस लेंथ माइनस 1 उसे अपर बाउंड मानते हैं, और फिर लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाय 2 करके मिड कैलकुलेट करते हैं, मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट सपोज ये 0, 1, 2, 3, 4, तो इसकी वैल्यू हुई है यहाँ पर 0, दिस इज लोअर बाउंड इज 0, अपर बाउंड इज 0, 1, 2, 3, 4, 4 माइनस 1, सॉरी 0 से शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, तो हो गया ये 4, 0 प्लस 4 इज 4 डिवाइड बाय 2, तो मिड आ गया मेरा 2, तो ये 0, 1, 2, दिस 30 इज द वैल्यू ऑफ मिड 2, ये हुआ मिड, ठीक है।
दिस इज द मिड. अब इसके बाद लोअर बाउंड मीन्स स्टार्ट वैल्यू दैट ही हैज असाइंड एज द जीरो, ठीक है. एंड वैल्यू 10 माइनस 1 कर दिया, मतलब कि लेंथ माइनस 1, 10 एलिमेंट्स है तो माइनस 1, 0 से शुरू करेंगे इसलिए माइनस 1. मिड स्टार्टिंग में रखा है 0. देन हमें लूप चलाना है स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू एंड, जब तक कि स्टार्ट नहीं मिल जाए. और यहाँ पे एक काम और करो अनिकेत, एंड एंड यहाँ पे लगाओ, एंड एंड लॉजिकल ऑपरेटर, यस, एंड एंड सी लेस देन सी इक्वल्स टू जीरो, सी इक्वल इक्वल जीरो. हाँ मीन्स जब हमने सी की वैल्यू प्लस प्लस कर देंगे ना, इट मीन्स एलिमेंट मिल गया, तो फिर क्यों सर्च करेंगे. दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए, ये कंडीशन तो जब ट्रू होगी जबकि पूरी एरे सर्च हो जाएगी, पर ये वाली जब एलिमेंट बीच में भी कहीं मिल जाएगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी. एंड की जगह पे यहाँ पे और लगाओ, हाँ ठीक है. इसके बाद मिड कैलकुलेट किया, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय टू, ये यहाँ पे राइट क्लिक करो, ठीक है, डिवाइड बाय टू. तो एस इक्वल इक्वल नम मिड, मिड मतलब कि जो भी कैलकुलेट करोगे वो मिडल की वैल्यू. इफ दिस इज मैचिंग, एस क्या है, जिसमें कि यूजर को जो सर्च करना है वो इनपुट कराया है, और ये नम इज द नेम ऑफ एरे और मिड इज द इंडेक्स पोजिशन ऑफ द एरे, ठीक है. तो वो बीच वाला जो एलिमेंट है जिसकी इंडेक्स पोजीशन इससे मैच कर गई है तो इट इज प्रेजेंट, प्रेजेंट हो गया तो C++ की वैल्यू कर दिया है और ब्रेक कर दिया है, तो फिर वो लूप के सीधे बाहर आ जाए, ठीक है. बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर एलिमेंट अगर जो सर्च करना है वो लेस देन है मिड के वैल्यू से, मिड पोजीशन की वैल्यू से, तो यहाँ पे हमने मिड को माइनस वन कर दिया, मीन्स हमने मिड को लोअर बाउंड की तरफ शिफ्ट कर दिया, ठीक है. एंड पॉइंट को, अपर बाउंड जो था उस एंड पॉइंट को हमने मिड के भी नेक्स्ट एलिमेंट पे डाल दिया. क्यों डाल दिया, क्योंकि हाफ ऑफ एरे, इतनी सारी एरे अब हम सर्च नहीं करेंगे, यहां से अब हम सर्चिंग शुरू करेंगे इस तरह, और इससे उल्टी पोजीशन हुई तो फिर लोअर बाउंड को एंड मतलब स्टार्ट को, यहाँ पे तो हमने एंड को मिड माइनस वन किया, यहाँ पे स्टार्ट को मिड प्लस वन करेंगे, ठीक है. इस तरीके से हम काम करेंगे. अगर फिर भी नहीं मिला, सी की वैल्यू जीरो की जीरो ही रही तो वैल्यू नॉट फाउंड, अदरवाइज नीचे लिखा, यहाँ पे लिखो या फिर ऊपर ही लिखो, अनिकेत स्क्रॉल अप, यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट, हाँ ठीक है, डन, एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. एंटर द वैल्यू, ये गलत कर दिया अनिकेत, क्योंकि एलिमेंट बाइनरी सर्च के लिए हमेशा सॉर्टिंग ऑर्डर में ही एंटर करने हैं. अभी करो कुछ भी एंटर, एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है, फिर से एग्जीक्यूट करो. इसीलिए मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द बाइनरी सर्च में ऐसा होता है कि एरे को इनिशियलाइज करवाते हैं विद द गिवन वैल्यूज, तो सॉर्टिंग में इनिशियलाइज कराना है. देखो एलिमेंट इज प्रेजेंट फिफ्थ पोजीशन, ठीक है, जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, फाइव डाला तो फाइव सर्च किया और सर्च करके आया, ठीक है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गिव द डिफरेंस, मतलब कि डिफरेंस पता होना चाहिए बाइनरी सर्च में और लीनियर सर्च में. तो बाइनरी सर्च ऑलवेज बी इम्प्लीमेंटेड व्हेन द एरेज एलिमेंट आर सॉर्टेड. ये सारा का सारा कोड कॉपी करके पेस्ट करो अनिकेत. Yes, ma'am.